So hello everyone and welcome back to my channel. Good evening everyone and welcome to the series of Paper One. आज की हमारी Paper One series में हम लोग start करने वाले हैं एक नए section को which is Research Aptitude, an equally important section of our Paper One like your teaching aptitude जो आप सुबह को पढ़ रहे हो. आपका research aptitude बहुत ज़्यादा important है, बहुत ज़्यादा questions आते हैं इसमें से and research aptitude बच्चों को बहुत डराता है क्योंकि ये थोड़ा सा technical है and इसमें आपके technical words का use किया जाता है. So here I am again to make your research aptitude की journey very very easy and understandable. आपको again teaching aptitude की ही तरह इसमें भी किसी भी तरीके का confusion नहीं बचेगा. मेरी जो पढ़ाने का तरीका होता है जहाँ पे हम लोग content को देखते हैं तुरंत उसके बाद अपने आप को जज करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू एंड वो क्वेश्चंस मेरे एमसीक्यूज नहीं होते हैं, आए हुए नेट के जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं जो आपको एग्जैक्टली शो करते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है एंड आपको कॉन्फिडेंट फील कराते हैं. तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विद अ मैसेज कि ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप जरूर से इसको ज्वाइन कर लीजिए फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन एंड डायरेक्ट लिंक टू एवरी सिंगल वीडियो ऑफ माइन. मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आप लोग का टाइम बहुत सेव करता है एंड अगर करता है तो इसी बात पे अभी ही लाइक कर दो वीडियो को एंड आप कमेंट भी करके जा सकते हैं. स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज को. सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिसर्च. अब अगर आपको ध्यान होगा तो आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि आई एम नॉट अ पर्सन हु विल फोकस ऑन टीचिंग डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्योंकि इनसे क्वेश्चंस नहीं आते. भाई जहां पे नहीं आते हैं उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन जहां पे आते हैं वो तो पढ़ाना बनता है. तो आपके रिसर्च की डेफिनेशन से, आपके कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चंस बने हैं तो आपके लिए ये आ गया है. अगर हम लोग रिसर्च के बारे में बात करें और वर्ड को अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूं तो सबसे पहली चीज आती है सर्च. सर्च का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना एंड रिसर्च का मतलब कि फिर से किसी चीज को ढूंढना. ये तो हो गई सीधी सीधी बात. आज की इस क्लास में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि रिसर्च क्या है एंड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि रिसर्च से कैसे क्वेश्चन बनते हैं. तो इन कॉमन लैंग्वेज रिसर्च इज द सर्च फॉर नॉलेज और ट्रूथ. आप किसी भी चीज को जब सर्च करते हो, ढूंढने की कोशिश करते हो, वो आपका सच्चाई, किसी के बारे में आप सर्च करना चाहते हो तो वो एक सच ही होता है. किसी नॉलेज को आप गेन करना चाहते हो इसी को ही हम लोग बेटा कहते हैं रिसर्च. रिसर्च इज द सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग of controlled observations that may lead to the development of generalizations, principles or theories resulting in prediction and possibly ultimate control of events. अब भाई हम लोग क्लास 10th में तो पढ़ते नहीं है कि मैं आपको कहूं कि बेटा ये डेफिनेशन लर्न करके चले जाना एंड इसी से एग्जाम में आपका आंसर बनेगा. आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के की वर्ड्स को पकड़ना है जो आई ऑलवेज डू ऑन दिस चैनल क्योंकि ये की वर्ड से आपके क्वेश्चंस बनते हैं. आपने यहाँ पे देखा कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है. आप अगर रिसर्च कर रहे हो तो आप हवा में रिसर्च नहीं कर सकते हो और अगर हवा में रिसर्च करोगे तो इंटेंडेड रिजल्ट आपका नहीं निकलेगा. तो इस बात को ध्यान से समझ लेना कि जो भी आप रिसर्च करते हो बेटा वो सबसे पहले तो ऑर्डर में होती है एंड इट इज सिस्टमैटिक. दूसरी चीज एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस. आप किसी भी चीज की ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हो. अगर यहाँ पे मेरे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया है ऑब्जेक्टिव में एंड सब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है. सब्जेक्टिव में जहां पे आप अटैच कर लेते हो एक पर्टिकुलर चीज से अपने आप को, वेयर इज ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है यू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यू आर ऑब्जर्विंग. तो यहाँ पे जो रिसर्च होती है वो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होती है. आपको अगर एक मूर्ति ने, एक न्यूज निकल के आई कि भगवान जी की एक मूर्ति है वो दूध पी जा रही है तो आपको आस्था से परे हट के उसको ऑब्जेक्टिवली साइंटिफिकली जज करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा. इसी को हम लोग रिसर्च कहते हैं. आप उस चीज को सिर्फ एनालाइज नहीं करते हो, जो आपने शोध की, आपने रिसर्च की, उसको आप रिकॉर्ड भी करते हो ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस दैट मे लीड टू. आप जब
रिकॉर्ड करते हो कि मुझे ये ऑब्जर्व करने के बाद, साइंटिफिकली टेस्ट करने के बाद ये पता चला, तो आप एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट बना पाते हो कि कुछ ही ऐसी मार्बल की मूर्तियां हैं जो अंदर से खोखली हो गई हैं, आप उसके सामने कोई भी पानी का ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो उसको अपने अंदर ले लेगी, एंड ये आप जनरलाइज स्टेटमेंट पास करते हो जिसकी वजह से आपकी प्रिंसिपल्स बन जाती हैं, थ्योरीज बन जाती हैं कि इस टाइप का जो मार्बल होता है इतने टाइम के बाद अंदर से खोखला हो जाता है एंड वो पानी घसीटने लगता है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि नहीं भगवान जी आए थे एंड वो दूध पी रहे हैं, resulting in prediction कि आगे जाके कभी अगर ऐसा होता है तो आप predict कर सकते हो कि भाई ये भी वही मार्बल है, तो अंधविश्वास में मत पड़ो, ठीक है? ये हो गया आपका research and example के through आपको समझ में आ गया होगा. Research is a kind of study on a particular subject or an issue where the researcher utilizes scientific technique. ध्यान देना, कोई भी research आपकी emotional नहीं होती है, it is purely based, practical based and आपकी use करती है scientific technique को. And when I see scientific, scientific research is controlled, जैसा कि आप हम लोग ने देखा, आपकी scientific research जो होती है controlled होती है. आपने हमेशा पिक्चरों में, टीवीज में, सीरियल्स में देखा है कि जब भी एक लैब एनवायरनमेंट दिखाया जाता है वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है. आप एक ड्रॉप किसी के ऊपर डाल के देखते हो कि अच्छा इसका ये असर पड़ रहा है, फिर आप दूसरे सैंपल में दूसरी चीज को यूज करते हो, तो आप एक कंट्रोल के थ्रू ऑब्जर्व करते हो एंड टेस्टिफाई करते हो, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड. देन योर दिस पर्टिकुलर साइंटिफिक रिसर्च इज ऑलवेज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन. आपने पहले एक चीज को देखा, दूसरा एलिमेंट यूज किया, तीसरा एलिमेंट यूज किया. ऐसे नहीं कि एक के अंदर आप सारी चीजें अप्लाई कर दोगे और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने जो यूज किया वो क्या उसका रिजल्ट आया. Which is rooted in objective reality and which aims to develop general knowledge about a natural phenomena. जो मैंने आपको phenomena बताया भगवान जी के दूध पीने वाला, किसी भी natural phenomena को आप scientifically judge कर सकते हो and उसको objectively relate करने के बाद एक theory अपनी तैयार कर सकते हो. Clear? आगे बढ़ेंगे, characteristics देखेंगे और फिर directly questions की तरफ चलेंगे. आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च के डायरेक्टेड टुवर्ड्स सॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम. आपकी रिसर्च ही बेटा की जाती है किसी भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए. दूसरा पॉइंट, एम्फसाइजेस द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर अकरेंसेस. ध्यान देना, कोई भी रिसर्च अगर किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने के लिए की जा रही है तो क्या मात्र वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा इसको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, फिर आप उसको रिकॉर्ड करते हो, देन वो एक थ्योरी बन जाती है, एक प्रिंसिपल बन जाती है. हम लोग चाहे इंग्लिश लिटरेचर में ही कितने सारे राइटर्स की थ्योरीज को पढ़ते हैं, हम लोग इंग्लिश में, हम लोग पेपर वन में कितनी सारी थ्योरीज को पढ़ते हैं, तो उन लोग ने अपने टाइम में कभी ना कभी रिसर्च की होगी, उसको ढूंढा होगा, साइंटिफिकली प्रूव किया होगा और फिर एक थ्योरी बना दी होगी जिसकी वजह से हमारा सिलेबस बन गया. तो एनीथिंग दैट इज बीइंग टेस्टिफाइड एंड आपकी ऑब्जर्व वो आगे जाके थ्योरी बन जाती है एंड वो आपकी आगे की चीजों को, फिनोमिना को प्रिडिक्ट करने के काम आती है, ठीक है? Based upon observable experience or empirical evidence, आपकी observable experience होते हैं, empirical evidence होते हैं, मतलब सारे evidence आपके सामने होते हैं, scientific होते हैं, आप उसमें कोई भी आस्था वाली चीज, यहाँ पे देखो कुछ लोग तो बिल्कुल ही अंधविश्वास में जाएंगे, वो उसको यकीन करेंगे, लेकिन अगर आप empirically testify करोगे तो आपको किसी भी चीज का answer मिल जाएगा, ठीक है? आपकी जो साइंटिफिक रिसर्च होती है बेटा डिमांड करती है एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन की. आप अगर एक मूर्ति को जज कर रहे हो तो एक्यूरेटली आपको उसकी सब्सटेंसेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट समथिंग और यू विल बी एबल टू टेस्टिफाई समथिंग. देन इन्वॉल्व्स गैदरिंग न्यू डेटा फ्रॉम प्राइमरी फर्स्ट हैंड सोर्सेज यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा फॉर अ न्यू पर्पस. किसी को इस मूर्ति वाली चीज का एक क्या करना है, टेस्ट करना है, साइंटिफिक रिसर्च करनी है, तो वीडियो कॉल पे नहीं कर सकता. फर्स्ट हैंड आपकी नॉलेज होनी चाहिए, जाओ जाके उस मूर्ति को अपनी आंखों के सामने देखो, उसमें से स्क्रेप ऑफ करके आओ, उसके मटीरियल को जज करो. इसी को हम लोग ट्रू साइंटिफिक रिसर्च बोलेंगे. और इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ज्यादा इसमें पढ़ने वाला कुछ था ही नहीं. आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड इन साइंटिफिक रिसर्च. इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई देगा जो साइंटिफिक मेथड एक्सक्लूड करता है, बाहर निकाल देता है? एम्पिरिसिज्म को बाहर निकालता है, रिमूवल ऑफ एरर्स को बाहर निकालता है,
सब्जेक्टिविटी को बाहर निकालता है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को बाहर निकालता है या नॉन प्रिडिक्टिव आपके इंफरेंसेस को बाहर निकालता है। नॉन प्रिडिक्टिव का मतलब वो ऐसी चीजों को जिसको वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या बन जाएगा, सी डी एन ई। हम लोग को सामने सामने से यहाँ पे दिखाई दे गया है कि सब्जेक्टिविटी, अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड नॉन प्रिडिक्टिव इंफरेंसेस को तो वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता है, एम्पिरिसिज्म को यूज करता है एंड आपके एरर्स को रिमूव करने की कोशिश करता है। ये है काम आपकी साइंटिफिक रिसर्च का। क्लियर, आगे बढ़ेंगे और अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। सीधा सीधा आपको इसमें बताना है कि आपके रिसर्च के क्या आपके मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, रिसर्च मीन्स चैलेंजिंग द स्टेटस क्यूओ। स्टेटस क्यूओ हम लोग के लिए एक नया वर्ड है जो कि हम लोग को क्या बताता है कि स्टेटस क्यूओ जो चल रही मान्यताएं होती हैं उसको चैलेंज करना। तो क्या रिसर्च ये काम करता है, ये तो बिल्कुल बात सही है कि जो भी आपकी चीजें हैं उसको चैलेंज करने का काम करता है, विच मीन्स कि मेरा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा। जहां भी मुझे ए नहीं दिखाई देगा कट कर देंगे और देखेंगे कि हम लोग का अगला ऑप्शन कौन सा है। पॉइंट नंबर बी, रिसर्च इज एन एंडेवर टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। क्या रिसर्च का मतलब ये होता है कि सिर्फ आपको मात्र फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होता है? नो, आपको टेस्टिफाई करना होता है। तो ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा एंड इसकी वजह से जहां पे भी मुझे बी दिखाई देगा उसको मैं कट कर दूंगी। देन रिसर्च इज अ सिंथेसिस ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेसेस। बिल्कुल सही बात है कि आपके रिसर्च में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स दोनों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, विच इज करेक्ट। तो मुझे अभी तक ए एंड सी सही लग रहा है एंड इसकी वजह से मुझे ये ऑप्शन मेरा ऑलरेडी मिल गया है। आगे बढ़ेंगे और हम लोग एफ को देखेंगे। रिसर्च इज अ क्रिटिकल एंड पैशनेट सर्च फॉर नॉलेज, विच इज वेरी वेरी ट्रू। एंड आंसर देखेंगे हम लोग एंड हम लोग का आंसर सही बैठ गया, ए सी एंड एफ। चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च आर। आपको यहाँ पे साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च के मेथड्स पूछे गए हैं। क्या ये एम्पिरिसिज्म है, विच इज हाँ है, ऑब्जेक्टिविटी है, हाँ है, देन आपका सिस्टमैटिक है, हाँ है, देन हम लोग को ए बी एंड सी तो मिल गया है। कोई एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे ए बी एंड सी तीनों होंगे, हाँ ये वाला है। तो हम लोग डायरेक्टली एफ वाला देखेंगे, प्रिडिक्टिव, कि आपकी जो रिसर्च होती है वो आप प्रिडिक्ट कर पाते हो, विच इज वेरी वेरी करेक्ट। एंड इसी के साथ मुझे मिल गया मेरा आंसर। आप देख रहे हो कितनी आसानी से कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप सब लोग बना पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन आर। अगेन आपसे रिसर्च डिजाइन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि है आपका कंपैरिजन, कंट्रोल, रिएक्टिविटी, मैनिपुलेशन, नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस या फिर आपका जनरलाइजेशन। अब ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको दिमाग लगाना है, सोचना है। सो टेक 1 मिनट एंड कमेंट करते जाओ कि आप लोग के अकॉर्डिंग रिसर्च डिजाइन के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। कीवर्ड्स याद रखना जो जो हम लोग ने पढ़े हैं एंड आई होप आप लोग उसके अकॉर्डिंग क्या कर पा रहे होंगे, रिएक्ट कर पा रहे होंगे। देखो करना क्या है आपको कि जो बिल्कुल बिल्कुल गलत हम लोग को ऑप्शंस दिख रहे हैं उनको हम लोग हटा देना है। जैसे मुझे एक तो बिल्कुल गलत दिख रहा है, मैनिपुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए रिसर्च में। अगर आप मैनिपुलेट कर दोगे तो फिर तो आपका गया। तो डी वाला ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, डी वाला ऑप्शन मैं कट कर दूंगी यहाँ यहाँ से जहां जहां पे मुझे डी दिखाई दे रहा है। तो भाई डी से तो मेरे तीनों के तीनों कट जाते हैं, उसके साथ मेरा आंसर बन जाता है ए सी ई एन एफ, कंपेरिजन, रिएक्टिविटी, नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड आपका जनरलाइजेशन। देखते हैं क्या यही आंसर है। तो भाई ये तो हम लोग का आंसर नहीं है। कभी कभी हम लोग से भी गलतियां हो जाती हैं। व्हेन यू आर बीइंग ट्रू एंड आप बिल्कुल सामने सामने चीजें कर रहे हो तो गलतियां होना पॉसिबल है। ऐसा नहीं होता है कि आपसे कभी गलती नहीं होती या मुझसे कभी गलती नहीं होती। अब या तो आई विल हैव टू चेक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ध्यान से यहाँ पे देखो कि मैनिपुलेशन यहाँ पे बोला गया है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो आई फील कि ये वाला क्वेश्चन ही हम लोग का गलत है क्योंकि डी वाला ऑप्शन इन्होंने करेक्ट माना हुआ है। तो आई विल गो एंड चेक एंड यहाँ पे आपके लिए कमेंट एक पिन हो जाएगा एंड आई विल लेट यू नो कि ये सही ऑप्शन है या नहीं। देन हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अ रिसर्चर कैन ड्रॉ अ डेफिनेटिव कंक्लूजन Even if there is little evidence to support it, आपका जो researcher होता है वो एक definitive conclusion को draw कर सकता है
जबकि उसके पास लिटिल एविडेंस है किसी भी बात को सपोर्ट करने का, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लग रहा है. दूसरा, स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंसेस हेल्प्स अ रिसर्चर इन ड्रॉइंग लॉजिकली करेक्ट इन्फरेंसेस फ्रॉम द डेटा. आपको जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड सिग्निफिकेंसेस होते हैं वो हेल्प करते हैं एक रिसर्चर को लॉजिकली करेक्ट इन्फरेंसेस ढूंढने में, जो कि बिल्कुल सही है. सो अकॉर्डिंग टू मी स्टेटमेंट ए आपका रॉन्ग होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, एंड स्टेटमेंट आर आपका करेक्ट होना चाहिए. एंड यस, दिस इज द आंसर जो कि हम लोग ने सामने किया एंड सामने हम लोग का ये आंसर निकल आया. अगर आपको लगता है कि रिसर्च में थोड़ी सी भी आपको आज कॉन्फिडेंस मिला हो तो प्लीज कमेंट करके जाना एंड डू लेट मी नो दैट आप इसी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो. एंड इसी के साथ हम लोग का पहला सेशन कंप्लीट होता है. जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, बट डोंट यू वरी, आपके लिए एक ही चीज ईजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, आपको कुछ कहना हो, कमेंट करना हो, सजेशन देना हो, फीडबैक देना हो तो कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिएगा. मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में. बाय एंड टेक केयर.